न्यास परिसर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के सदस्य एवं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रसाद दीक्षित जी ने R9 भारत न्यूज पर क्या कहे, आइए सुनते हैं। आलोक कुमार सिंह, R9 न्यूज चैनल वाराणसी से। शख्सियत की कड़ी में आज हमारे साथ बनारस के ही काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण से एक शख्स आए हुए हैं, जो गुरु जी खुद अपना परिचय देंगे और उनसे हम जो है दिव्य काशी, भव्य काशी और भी अन्य मुद्दों पे बात करेंगे। आइए रूबरू कराते हैं हमारे गुरु जी से। प्रणाम गुरु जी, R9 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम आप अपना परिचय बताएं पूर्ण रूप से। मैं पंडित प्रसाद दीक्षित, ज्योतिषाचार्य एवं न्यास परिषद सदस्य, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। गुरु जी, दिव्य काशी, भव्य काशी, पहले के काशी में और अब के काशी में आप काफी समय से हैं, तो इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कैसा आपको उसमें क्या चीज नजर आ रहा है, उसके विषय में थोड़ा सा कुछ आप बताएं। जी, मैं वहां पर 2015 से लेकर के 18 तक न्यास परिषद सदस्य रहा, अर्थात ट्रस्टी रहा। तब में और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। हाल ही में 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा हमको ट्रस्टी वहां नियुक्त किया है। उस समय काल में अब में इसलिए अंतर है कि मैं तब भी देखता था श्रद्धालुओं को परेशानियां होती थी, पूजा पाठ की व्यवस्था है जितनी सुचारू रूप से अभी चल रही है यह व्यवस्था पहले नहीं थी। काशी में देखे रंग बदल गया, सड़कें बदल गई। अब तो विश्वनाथ मंदिर में जाने पर आपको खुद ही महसूस होगा कि यह वही है। बड़ा क्या छटा है, अद्भुत नजारा है। जितनी भी तारीफ की जाए मोदी जी की कम है। यह योगी जी और मोदी जी की जो जुगलबंदी रहा, इसका कहीं कोई काट हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो परिकल्पना उन्होंने विश्वनाथ धाम के लिए किया था वह अविस्मरणीय है, जो आपके स्मरण से जा ही नहीं सकती। भव्य रूप बना हुआ है। एयरपोर्ट की लाइनें देखें बनारस में कितनी अच्छी बन गई है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, विकास चारों तरफ हो रहा है। तो पहले की काशी में और मोदी जी योगी जी की काशी में, यानी इनके शासनकाल में बहुत बदलाव आया है और आगे भी है बदलाव। अभी ये चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये लोग शासन में रहेंगे। जी, जैसा आपने विकास की बात कहे हैं, तो विश्वनाथ कॉरिडोर या दिव्य काशी, भव्य काशी, जैसा कि चुनाव है चल रहे हैं, तो चुनाव में इसका कितना अंदर तक इस बात। R9 भारत के लिए सीतापुर विधानसभा महोली के ग्राम पंचायत लिलसी का मजरा बंडिया बूथ संख्या 279, जहां पर मतदाताओं की संख्या 570 है, बूथ पर गांव में विकास कार्य न कराए जाने से नाराज मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। सिर्फ 5 ही वोट पड़े हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बहिष्कार कर रहे हैं ग्रामीण लोग। सुबह से जो नियम है उसके अंतर्गत हम लोग जो है मॉक पोल कराए हैं और इंतजार भी किया, कोई एजेंट अभी तक बनने नहीं आया है। और अभी 9 बजे तक 5 ही वोट गिरे हैं, 5 ही वोट पड़े हैं, 5 वोट पड़ चुके हैं। उच्च अधिकारियों को जानकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट को हम लगातार सुबह से बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुबह से जो है उच्च अधिकारियों ने यहाँ पे आके विजिट किया है। यहाँ पे तो जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग आए हैं। जी जी, और सेक्टर मजिस्ट्रेट को हम लगातार बता रहे हैं जो भी यहाँ की स्थिति है। जी जी, ठीक है। हाँ। कि लोग बहिष्कार कर रहे हैं, वोट कार्ड नहीं डाले भी। अरे ये सर ग्रामीण लोग, ग्रामीण लोग क्या? हाँ, जी जी, आपका परिचय? सर मैं पीठासीन मनीष वाजपेयी। जी, ये कौन सा है? बूथ संख्या है और कौन सी ग्राम पंचायत में है? 289 है। 289, हाँ। प्राथमिक विद्यालय बंडिया। विधानसभा कौन सी है? 145 महोली। महोली, ठीक है। तुम्हारा है? हमारा गांव में बंडिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय देवी। अच्छा, किस गांव में रहती हैं आप? बंडिया में। क्या मामला है? आप लोगों ने वोट का बहिष्कार कर रखा है, क्या है पूरा मामला? हमारे गांव में ना रोड बनी है और सब लोग बल्ली ताने पड़े हैं। यहाँ पे ना आवास है, ना लैट्रिन है, कोई विकास नहीं है और ना ना बच्चा, सब लोग चौमालन में यहाँ गांजन है और अंधी बारी,
बोलन में कहो रहे देन कहो बाहर रही जाए हन यहां पे आदमी जाते है तो गिरदाए के यहां के और खाना भी के जाते है नहीं ना कोई ना नाली वाली कोई नहीं ना नाली है कुछ नहीं यहां पे इसलिए हमने धमका के वोट हड़ताल ले लेते हैं कि नहीं भर के वोट रोके हैं कौन धमका करके वोट ले रहा था धमका करके पब्लिक का से वोट पुलिस पुलिस मतलब पुलिस वाला धमका रहे वाट ढीला चले जब हम लोगन के तकलीफ है तो क्यों वाट डालेंगे यहां पे वाटर तो हम उसी के लिए वाट यहां पे रुकी वाट डाले तने के इतराज हमका वो मिले वाट डालेंगे मगर हमारे रास्ता हमारा बनना चाहिए हमारे यहां पे रास्ता बनना चाहिए। R9 भारत के लिए ललित कुमार की रिपोर्ट सीतापुर से।